हेलो वॉन्डरर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सुशील अहिरे और मैं एक सिनेमाटोग्राफर और एडिटर हूँ। और मोस्टली मैं ये चैनल पे सारे ट्रैवल वीडियोस ही अपलोड करता हूँ, बट रिसेंटली मैंने मेरा ये सिस्टम अपग्रेड किया है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट किया कि जो मेरा नया सिस्टम है उसके बारे में कुछ बताओ, और उसी रीज़न से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो आपके ईज़ के लिए मैंने ये वीडियो चार सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो सबसे पहला सेक्शन है वो है ये कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन, सेकंड है ये ओवरऑल सिस्टम का कॉस्ट कितना हुआ, थर्ड ये है कि मैंने iMac से विंडोज़ पे क्यों स्विच किया, और जो फोर्थ है वो ये है कि मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये विंडोज़ के सिस्टम को यूज़ करते टाइम। सो गाइज, जब भी आप कोई नया कंप्यूटर बाय करते हो, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ब्रेन, जो कि है प्रोसेसर। और प्रोसेसर में दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक है इंटेल और AMD। मैंने बाय किया है इंटेल का Core i9 10900K, और वो मैंने इसलिए बाय किया है क्योंकि अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स है वो इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ बहुत अच्छे कंपेटिबल है। AMD भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है, बट मैंने जितना भी रिसर्च किया है उसके अंदर मुझे ये समझा कि AMD के प्रोसेसर्स मोस्टली सब गेमर्स बाय करते हैं, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस, रॉ परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। इंटेल के जो प्रोसेसर्स है वो AMD से ज़्यादा डिपेंडेबल है। अब मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे कि AMD इंटेल को काफ़ी चीज़ों में पीछे छोड़ रहा है, बट गाइज ये माइंड में रखो कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, तो मुझे गेमिंग से कोई लेना देना नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि मैंने जो ये PC बनाया उसके अंदर मैं गेमिंग भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बट वो मेरा प्राइमरी एस्पेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने माइंड में रख के इंटेल का ही प्रोसेसर बाय किया। प्रोसेसर फाइनल होने के बाद में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड मैंने बाय किया है इंटेल का ASUS Z490E। और ये बाय करने के पीछे कई सारे रीजन्स है। सबसे पहला रीज़न, मतलब इसके अंदर मुझे 3 SSD के स्लॉट मिलते हैं, मैंने 2 SSD डाल के रखे हैं। उसके साथ साथ इसको इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस ये 128GB का रैम सपोर्ट करता है, तो मैं और रैम बढ़ा सकता हूँ फ्यूचर में अगर मुझे चाहिए तो। प्लस अगर मुझे सिर्फ HDD का स्टोरेज सिस्टम चाहिए तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ग्राफिक कार्ड भी और एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, तो मतलब जो मेरा एग्जिस्टिंग ग्राफिक कार्ड है वो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे और एक ऐड करने की ज़रूरत है। तो ये मदरबोर्ड अपग्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा था, और उसी रीज़न से मैंने ये मदरबोर्ड चूज़ किया। जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पीड, उसका मतलब रैम। और रैम में मैंने चूज़ किया है कॉर्सेयर का वेंजेंस 32GB का एक रैम, ऐसे मैंने दो डाले, मतलब 64GB का 3600mAh का जो स्पीड होता है वो मैंने रैम डाले हैं। तो ये रैम एक्चुअली में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और 64GB मैंने इस रीज़न से डाला क्योंकि एडिटिंग में मैं जब भी 4K या फिर 6K फुटेजेस डालता हूँ तो मुझे मेरा जो बेसिकली जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो बहुत स्लो हो जाता है, और जो अडोब के सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ रेंडरिंग में मुझे ग्राफिक कार्ड में हेल्प करते हैं, बट जब मुझे एक्चुअल एडिटिंग करना रहता है, जो मेरा एक्चुअल टाइमलाइन जब प्ले होते रहता है, तो सबसे ज़्यादा रैम ही यूटिलाइज होता है। और उसी रीज़न से मैंने जो रैम है वो 64GB का डाल के रखा है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला, जो मेरा मदरबोर्ड है वो 128GB तक सपोर्ट करता है, तो इधर प्लस पॉइंट ये है कि मैंने सिंस 32GB का ऐसे दो रैम डाले, तो जो मेरे दो स्लॉट है वो अभी भी एम्प्टी है। तो अगर आगे जाके मुझे अपग्रेड करना है तो मुझे बस वो दो स्लॉट भरने हैं, और मुझे एग्जिस्टिंग रैम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा फोर्थ पार्ट है वो है स्टोरेज, और स्टोरेज में मेरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्योंकि मुझे ये बात समझा है कि जब भी मैं कोई वेडिंग एडिट कर रहा हूँ या फिर मैं ट्रैवल वीडियोस एडिट कर रहा हूँ, तो मेरा ऑन एन एवरेज हर एक प्रोजेक्ट 400 से 500 GB तक जाता ही है। तो मुझे ये पता था कि मेरा स्टोरेज इजीली ब्लॉक होने वाला है, और वो भी काफ़ी लंबे पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो जब मेरे को स्टोरेज बाय करना था तो स्टोरेजेस में मेरे पास 3 ऑप्शन थे। एक था जो अपना ट्रेडिशनल HDD होता है वो, उसके बाद में SSD में भी 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है SATA और दूसरा होता है NVMe M.2, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो HDD है वो मैं बिल्कुल भी बाय नहीं करूँगा, उसका रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊँगा।
बट अब भी करंटली मेरे ये वाले सिस्टम में 2 TB का SSD है और उसके अंदर एक जो है वो सैमसंग का ईवो प्लस 970 वाला जो कि बहुत ही फास्ट है, वो है 1 TB वाला। और जो सेकंड है वो है सैमसंग का ही QVO जो कि साटा वाला है, बट वो SSD ही होता है और उसका भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसमें मुझे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये मिला कि सिंस मेरा रैम भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा फास्ट है और उनको ही जो कंपैटिबिलिटी या फिर उतना ही फास्टर सिंस मेरा SSD है, तो मेरा जो ओवरऑल जो एडिटिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। जो मेरा 5th पार्ट है वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो मैंने यूज़ किया है Zotac का GeForce RTX 3060 Ti 8 GB वाला। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ था और ओल्डर जनरेशन के कुछ 2070 2080 Ti वाले जो है वो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो वही रीज़न से ये थोड़ा सा मुझे चीपर भी मिला और सिंस ये न्यू जनरेशन का है उस रीज़न से ये ओल्डर जनरेशन के टक्कर में भी आ जाता है। जो मैंने आपको पहले बोला, ग्राफिक कार्ड मोस्टली मुझे रेंडरिंग के टाइम पे ही यूज़ होता है या फिर अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं ग्राफिक कार्ड यूज़ करता हूँ। तो उस रीज़न से मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं थी। मोस्टली जो एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड्स लिए जाते हैं वो गेमिंग के लिए और हाई एंड गेमर्स जो रहते हैं वही लेते हैं, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो मैंने ये रीज़न से डिसाइड किया कि मैं बाकी चीज़ों में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता हूँ रादर देन ग्राफिक कार्ड, क्योंकि अडोब जिस तरीके से डिज़ाइन हुआ है वो मोस्टली रैम ही यूटिलाइज़ करता है और प्रोसेसर ही यूटिलाइज़ करता है और ग्राफिक कार्ड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो मेरे लिए वो ज़्यादा सेंसिबल नहीं था कि मैं एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड लूँ। जो मेरा 5th पार्ट है वो है SMPS जो कि पूरे CPU को पावर सप्लाई देता है। इन अ वे ये हार्ट है CPU का जो पूरे पार्ट्स को पावर सप्लाई दे के बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखने की कोशिश करता है। तो उसी रीज़न से मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया कि कौन सा SMPS बाय करना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया था Corsair का 750 वॉट्स का SMPS जो इतने ज़्यादा हैवी ड्यूटी CPU को अच्छे से पावर सप्लाई और स्टेबल पावर सप्लाई दे सकता है। और जो 6th पार्ट है वो है CPU का कूलिंग। तो वो मैंने मिक्सचर रखा है एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग का, उसको एक टर्मिनोलॉजी है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो दोनों का मिक्सचर ही मोस्टली यूज़ करते हैं। तो जो मेरा लिक्विड कूलिंग है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के लिए यूज़ किया है और वो है Corsair का H100i जो कि उसको अच्छे से कूल रखता है और उसका टेम्परेचर जितना लो हो सके उतना रखने की कोशिश करता है। और जो 7th पार्ट है वो है ये कैबिनेट जो कि है Corsair का 365X और इसको बाय करने के पीछे दो मेन रीज़न ये है कि इसका जो एयर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही तगड़ा है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट्स अगर मैं अंदर रखता हूँ तो वो रीज़न से मेरा जो कैबिनेट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, वही रीज़न से मैंने ये कैबिनेट बाय किया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेरा कीबोर्ड एंड माउस, जिसके अंदर टू बी फ्रैंक विथ यू ज़्यादा मैंने थॉट प्रोसेस नहीं डाला। तो उस रीज़न से मैंने ASUS KB का गेमिंग सेट बाय किया जो कि कीबोर्ड और माउस का है और ओवरऑल वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। जब iMac से मैं ये कीबोर्ड पे शिफ्ट हुआ तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट फील हुआ, बट अभी थोड़ा थोड़ा यूज टू हो रहा हूँ मैं ये कीबोर्ड और माउस से। उसके बाद जो मैंने चीज़ बाय की है वो है ये मॉनिटर, और ये मॉनिटर बाय करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े क्योंकि ये है अल्ट्रा वाइड स्क्रीन और मैंने काफ़ी लोगों को, काफ़ी ज़्यादा एडिटर्स को यूज़ करते हुए देखा है और काफ़ी टाइम मैंने इसके अंदर डाला है रिसर्च करते हुए कि मैंने ये स्क्रीन बाय करना चाहिए कि नॉर्मल 4K स्क्रीन मैंने बाय करना चाहिए। तो जब मैं ये बाय कर रहा था तो मुझे मेरे भाई ने, किंजल ने, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि ये स्क्रीन मत बाय कर क्योंकि ये स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आई गेस इंडिया में बहुत रेयरली किसी ने इसको बाय किया रहेगा। बट मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फोकस था टूवर्ड्स ये स्क्रीन, मैं काफ़ी क्लियर था कि मुझे ये स्क्रीन बाय करना है। तो ऑब्वियसली ये स्क्रीन बाय करने के लिए ये रीज़न नहीं था कि बस ये अल्ट्रा वाइड है और बहुत कम लोग बाय करते हैं उसके लिए बाय करो, ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं था। मेन रीज़न इसको बाय करने का ये था कि सिंस ये इतना ज़्यादा वाइड है तो जो मेरा एडिटिंग का पूरा वर्क स्पेस है वो बहुत अच्छे से डिवाइड हो जाता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि जो मेरा टाइमलाइन है वो बहुत अच्छे से मुझे दिखता है पूरा एडिटिंग करते टाइम पे। और अल्ट्रा वाइड होने के साथ साथ ये सिंस कर्व्ड है तो मेरे अराउंड ही इजीली रैप हो जाता है, तो जो मेरा एडिटिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। जब भी मैं एडिट करता हूँ और इधर टाइमलाइन देखता हूँ
तो आप में से जितने भी लोग एडिटर्स रहोगे उनको पता रहेगा कि टाइमलाइन देखने में भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये टाइमलाइन देखते टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सभी जो पैनल्स है वो मैं बहुत ईजिली यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और मेरा जो वर्क स्पेस है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेता हूँ। और जो सबसे लास्ट चीज़ है और जो काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं वो है UPS। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें भी इन्वेस्ट किया क्योंकि अगर मैं इतना हेवी मशीन यूज़ कर रहा हूँ तो अगर मेरे यहाँ पे पावर फेलियर हो रहा है या फिर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि मेरा कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का ख़राब हो जाए जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे लाइट चली गई या फिर वोल्टेज प्रॉब्लम हुआ। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जब भी मैं UPS बाय करता हूँ तो मुझे रफली 15-20 मिनट्स का टाइम मिलता है अगर कोई भी पावर फेलियर होता है तो मुझे मेरा प्रोजेक्ट सेव करने के लिए टाइम मिलता है और कंप्यूटर ठीक से बंद करने के लिए टाइम मिलता है। तो उसी रीज़न से मैंने APC का 1500 वॉट्स का UPS बाय किया। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इतने ज़्यादा हैवी मशीन को अच्छे से पावर देने के लिए। अभी मैं आपको ये कंप्यूटर का कॉस्ट बताता हूँ पार्ट बाय पार्ट। तो जो मैंने कोरा 9 10900 के बाय किया है वो मैंने बाय किया था 33950 का। फिर असूस का जो मैंने मदरबोर्ड बाय किया है Z490E वो है 23800। फिर जो मैंने रैम बाय किया है कॉर्सर का 64GB का 32GB का एक, ऐसे टोटल दो बाय किए मैंने तो उनका टोटल कॉस्ट है 20000। 1TB का जो SSD है साटा वाला वो मैंने बाय किया 7650 का। 1TB SSD सैमसंग ईवो 970+ जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट SSD है वो मैंने बाय किया 13750। जो मैंने ग्राफिक कार्ड बाय किया जोटेक का RTX 360 Ti वो मैंने बाय किया 36000 का। उसके बाद मैं कॉर्सेयर का जो SMPSS 750 वॉट्स का वो 6950 का है। कॉर्सेयर टावर कैबिनेट वो 465X वाला मैंने बाय किया 7000 को। और जो मेरा कीबोर्ड का सेट है कीबोर्ड और माउस का वो है 4500 का। कॉर्सेयर कूलर H100i जो कि लिक्विड कूलिंग है प्रोसेसर के लिए वो मैंने बाय किया 8850 का। और उसके साथ साथ जो मैंने विंडोज़ इसके अंदर इंस्टॉल किया है वो है प्रोफेशनल 64-bit वाला जो मैंने बाय किया है 4925 का। UPS बाय किया है APC का 1.5 वॉट्स का वो बाय किया है मैंने 16500 का। और जो सबसे लास्ट चीज़ है वो है ये मॉनिटर, ये मैंने बाय किया 73500 का। तो ये सारे चीज़ों का अगर मैं टोटल करूँ इंक्लूडिंग टैक्स तो वो होता है 2,87,500। सो अभी आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि है मैंने iMac से विंडोज़ पे क्यों स्विच किया। एक्चुअली जब मैं नया सिस्टम अपग्रेड करने के लिए सोच रहा था तो मुझे अब भी मेरा करंट जो iMac है उसको रिप्लेस करके नेक्स्ट iMac ही लेना था। एप्पल ने जो भी उनके कंप्यूटर्स है उसके अंदर भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं ये ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। तो जो ये स्पेसिफिकेशन है जो अभी मेरे डेस्कटॉप पे है अगर वो सारे स्पेसिफिकेशन में डालूँ तो मेरा iMac रफली 4 लाख के आसपास जा रहा था, 4,50,000 का। उसी रीज़न से मैंने iMac से विंडोज़ में शिफ्ट किया। तो बाय करने से पहले मेरा माइंड बिल्कुल भी ये चीज़ करने के लिए रेडी नहीं था कि मैं iMac से शिफ्ट होके या फिर एप्पल के सिस्टम से शिफ्ट होके मैं विंडोज़ के सिस्टम पे जाऊँ। बट जितना भी मैंने लोगों को पूछा, जो मेरा भाई है वो भी एडिटिंग करता है उसके पास भी विंडोज़ का ही मशीन है तो उसने भी बोला कि 5 से 6 साल के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और जो अपना विंडोज़ का भी जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है एडिटिंग के हिसाब से। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीज़न टू मूव टू विंडोज़ यही था कि मेरा जो बजट था वो बहुत ज़्यादा शूट हो रहा था। 4,50,000 रुपीज़ एक मशीन पे डालना जिसके अंदर अपग्रेडिंग भी लिमिटेड है, उसी रीज़न से मैंने ये विंडोज़ का डेस्कटॉप बाय किया। और आप अगर सोच रहे हो कि मैंने M1 पे क्यों नहीं इन्वेस्ट किया तो उसके पीछे सिंपल रीज़न ये है कि वो फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है, मतलब उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आएंगे। अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो अभी तक इतने अच्छे से कंपैटिबल नहीं हुए रहेंगे तो ये जो भी चीज़ें हैं वो मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था क्योंकि मेरा ये एडिटिंग जो है ये हॉबी नहीं है, मेरा मेन प्रोफेशन है। तो उस रीज़न से मैंने कोई भी वो रिस्क नहीं लिया कि मैं कोई नया प्रोसेसर बाय करूँ। उसके अंदर 16-कोर वाला प्रोसेसर है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो सब कुछ मैं स्टडी कर चुका हूँ बट मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। वो रीज़न से
मैंने जितना भी सेफ और जितने भी अच्छे लेवल के अगर मैं प्रोडक्ट्स या फिर पार्ट्स कौन से बाय कर सकता हूँ, वो हिसाब से मैंने ये कंप्यूटर बाय किए। जो मेरा लास्ट सेक्शन है वो है एक्सपीरियंस, ये सिस्टम यूज़ करते टाइम पे। तो जो एक्सपीरियंस है ये मशीन यूज़ करने का वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। एडिटिंग करते टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट सारे मेरे सॉफ्टवेयर शुरू कर दिए थे, मतलब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, लाइट रूम, फोटोशॉप, ये मेरा एक साथ सब काम चलते रहता है, तो मैं सारे शुरू कर दिए थे और उसके ऊपर एडिट कर रहा था। तो मुझे कोई भी इशू नहीं आया, कोई भी लैग नहीं आया, कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं हुआ या फिर कंप्यूटर स्लो नहीं परफॉर्म कर रहा था। और आपको पता ही रहेगा कि मैं मेरे व्लॉग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स डालने की कोशिश करता हूँ, उसके साथ साथ उसके अंदर सिनेमैटिक होते हैं जो कि 360 में शूट करने के वजह से 6K में होते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रहते हैं और वो प्रोजेक्ट्स भी बहुत ही ईजिली हैंडल कर रहा है ये मशीन। जो iMac मेरे एक व्लॉग को 5 से 6 घंटा लेता था एक्सपोर्ट करने के लिए विथ इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, वही प्रोजेक्ट मेरा ये मशीन रफली 10 to 15 मिनट्स ले रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा पुश है मेरे लिए और बहुत ही कड़क एक्सपीरियंस है ये मशीन यूज़ करने का। सो गाइज, आपको पता ही रहेगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और कभी भी हम लोग जो होटल में रुकते हैं तो हम लोग सुबह सुबह सॉन्ग सुनते हैं, और उसी रीज़न से ज़ैप ने हम लोगों को ये ब्लूटूथ स्पीकर भेजा है जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये खोल के। सो गाइज, ये स्पीकर है, लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और हाथ में काफ़ी सॉलिड फील करता है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इसके अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन है, हैंड्स फ्री कॉलिंग है, रिचार्जेबल बैटरी है। इसको एक बार चार्ज करोगे तो रफली 8 घंटे के लिए ये प्ले होगा, और इसका जो ब्लूटूथ का रेंज है वो है अप टू 10 मीटर्स, और उसके साथ साथ ये वाटर प्रूफ है, डर्ट प्रूफ है, शॉक प्रूफ है और स्नो प्रूफ है। सो ये ज़ैप हाइड्रा स्पीकर का जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, और स्पेसिफिकली इसका जो बेस है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और जितने भी वॉन्ड्रिंग माइंड्स के सब्सक्राइबर्स है उनके लिए स्पेसिफिकली 10% का डिस्काउंट दिया है। तो अगर आप माइंड 10 ये अगर कूपन कोड डालोगे तो आपको जितने भी प्रोडक्ट्स है ज़ैप के उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज, आई होप आपको मेरा जो ये नया सेटअप है वो अच्छा लगा रहेगा। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ ये सेटअप को, और एडिटिंग तो बहुत ही स्मूथली हो रहा है, और इसका ओवरऑल जो लुक भी है वो बहुत ज़्यादा किलर है। मैं नए स्पीकर्स बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, तो अगर आपको कोई अच्छे स्पीकर्स पता रहेंगे जो वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप भी ऐसा नया सेटअप बाय करने के लिए सोच रहे हो तो आप ये वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं क्योंकि जो मेरा एडिटिंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया अभी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, तो काफ़ी तगड़े ट्रैवल वीडियोज़ और अलग अलग टाइप के वीडियोज़ मैं ये चैनल पे डालूंगा। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना सपोर्ट कर सकते उतना सपोर्ट कीजिए। बाय गाइज़।